हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहा फैशन हॉलिक। तो आज हम सीखेंगे स्लीव्स का ये डिज़ाइन, जो कि बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है और देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आपको पसंद आए और आपके लिए हेल्पफुल हो तो मेरे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर। और इससे पहले भी मैंने कुछ स्लीव्स के डिज़ाइन बनाए हैं, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी स्लीव्स की कटिंग है, तो जो हमारी फिटिंग का निशान है, सबसे पहले हम उस पर सिलाई लगा लेंगे। जैसे हम स्लीव्स कट करते हैं, हमें वैसे ही कट कर लेनी है और फिटिंग के निशान पर हमें सिलाई लगानी है। मैं इस पर डबल सिलाई लगा दे रही हूँ। ये देखिए, ऐसे हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसको बीच से कट कर देंगे। हमें इसको ऐसे कट कर देना है। देखिए, ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब हमें इसको साइड से ऐसे हेमिंग करनी है, मोड़ना है इसे साइड से। तो इस साइड से हम हल्का सा ऐसे मोड़ते हुए, बिल्कुल थोड़ा सा हमें मोड़ना है, क्योंकि हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। और हमें इसे डबल नहीं मोड़ना, सिर्फ सिंगल ही मोड़ना है। तो ऐसे हम हेमिंग कर देंगे। और अब इसकी दूसरी साइड भी हम ऐसे ही सिल देंगे। अब हमने ये दोनों साइड ऐसे ही हेमिंग कर लिया है इसको, ये देखिए ऐसे। अब ये मैंने एक पट्टी ली है जो कि 2 इंच की है, आप लोग देख सकते हैं। और ये डोरी बनाने वाला थ्रेड आता है, तो ये मैंने वो लिया है। ये आपको किसी भी शॉप पर मिल जाएगा, थ्रेड वाली शॉप पर 10-15 रुपये का मिलता है। और मैंने बूट चेंज कर लिया है, जो हमारा फुटर होता है वो मैंने एक पैर वाला फुटर लगा लिया है। और इसको ऐसे धागे को इसको ऐसे बीच में रखते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगाते जाना है। ये हम पाइपिंग बना रहे हैं। हमें इस पर ऐसे ही सिलाई लगाते जाना है, ये देखिए ऐसे। जब हम एक पैर वाला फुटर लगा देते हैं, तो ये अपने आप से हमारा बिल्कुल जैसे हमें मार्जिन छोड़ना होता है उतना ही छूटता जाता है, और हमारी जो पाइपिंग है वो बनती जाती है, देखिए ऐसे। एक्स्ट्रा जो धागा है उसे हम कट कर देंगे। तो देखिए, ये हमारी पाइपिंग बन चुकी है और बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ आती है, ये बहुत फिनिशिंग देती है ये वाली पाइपिंग। अब हमें इसको ऐसे एक साइड से ऐसे फोल्ड कर देना है, और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे, ताकि जब हम इसे लगाएं तो पीछे से भी हमारी फिनिशिंग आ जाए, इसलिए हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। इसको ऐसे फोल्ड करते हुए हम ऐसे सिंगल सिलाई लगा देंगे इस पर। ये देखिए, ये कुछ ऐसे दिखेगी पीछे से, और आगे से कुछ ऐसे दिखेगी। अब हम इसको स्लीव्स पे अटैच करेंगे, तो हमें फुटर चेंज नहीं करना है, एक पैर वाले बूट से ही हमें इसको लगाना है। अब जो हमारा डोरी वाला साइड है, उसको हम ऐसे रखते हुए यहाँ पर ऐसे सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, इसको हमें ऐसे लगाना है, नीचे रखना है, और अब इसको हम ऐसे सिल देंगे इस पर। बिल्कुल किनारे पर हमें रखना है और ऐसे सिलाई लगाते जाना है। जो हमारी पाइपिंग है, सिर्फ वही हमें बाहर रखनी है। ये देखिए, ये हमारी पाइपिंग लग चुकी है एक साइड। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ लगी है। अब ऐसे ही हम इस साइड भी लगा लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे ही हमें इस साइड भी लगाना है। ये देखिए, हमने दोनों साइड लगा ली है, और ये कुछ ऐसे दिखेगी। हमने दोनों साइड इसको लगा लिया है। अब हम नीचे जो हमें फ्रिल लगानी है, अब हम वो बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये एक पट्टी ली है, जिसकी चौड़ाई मैंने 4 इंच रखी है। 3 इंच आ जाएगी हमारी, हाफ इंच हमारा दबाव चला जाएगा मार्जिन, और हाफ इंच हम इधर से हेमिंग कर देंगे। तो सबसे पहले हमें इसको एक साइड से ऐसे हेमिंग करना है, सिलना है। जिसकी हम फ्रिल बनाएंगे उसको हमें एक साइड से सिलना है सबसे पहले। तो ये देखिए, ऐसे हमें सिल देना है इसको। ये देखिए, हमने पूरे को ऐसे ही सिल दिया है। अब हम इसकी फ्रिल बनाएंगे। तो फ्रिल बनाने के लिए हमें ऐसे प्लेट्स डालनी है ऐसे। तो
तो जिस साइड से हमने हेमिंग किया है उसको रहने देंगे हम, और जिस साइड हमने हेमिंग नहीं किया है उस साइड हम ऐसे प्लेट्स डालेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग प्लेट्स डाल सकते हैं, छोटी या बड़ी, जैसे भी आपको पसंद हो। तो मैं यहाँ पर नॉर्मल प्लेट्स डालूंगी, ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी। ये देखिए, ऐसे हमको ऐसे फोल्ड करते हुए, प्लेट्स डालते हुए इस पर सिलाई लगाते जाना है। ये कुछ ऐसे दिखेगा। आप अपने अकॉर्डिंग इसे छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं, और आप इसकी जगह पर बॉक्स प्लेट भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारी फ्रिल बनकर तैयार है। अब हम इसको स्लीव्स पर अटैच करेंगे। ये देखिए, ये हमारी स्लीव्स है जिसको हमने सीधा रखा है, और ये हमारी फ्रिल है जिसको हमें उल्टा रखना है, और जो इसके साइड्स हैं वो भी हमें फोल्ड कर देने हैं। देखिए, मैंने इसमें इसके साइड्स फोल्ड कर दिए हैं, और मैं इसको नाप लेती हूँ कि ये कितना आएगा। उतना ही कट कर कर हम इसके दोनों साइड फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए, ये इतना आ रहा है, तो मैं इसको कट कर कर फोल्ड कर लूँगी। ये देखिए, मैंने फोल्ड कर लिया है इस साइड से। अब मैं इसको अटैच करूँगी। तो हमें उल्टी फ्रिल रखनी है और सीधी स्लीव्स रखनी है, ताकि जब हम इसे पलटें तो हमारी फ्रिल सीधी आए। और अब हमें इसको ऐसे अटैच कर देना है इस पर। हम फ्रिल को नीचे बैठाते हुए इस पर सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए, हमें इसको सिल देना है। ये हमने सिल दिया है, और अब हमने इसको ऐसे पलट दिया है। अब हम इसके किनारे पर बिल्कुल एक सिलाई लगाएंगे, ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। बिल्कुल किनारे पर हमें इसके एक सिलाई लगाना है। सिलाई याद रहे टेढ़ी मेढ़ी और इधर उधर ना हो, बिल्कुल किनारे पर हमें लगाना है। ये देखिए, हमने इस पर सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें डोरी डालेंगे। उसके लिए हमें एक पट्टी बनानी होगी सबसे पहले। ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हम यहाँ पर एक पट्टी अटैच करेंगे जिसके अंदर हमें डोरी पिरोनी है। तो उसके लिए मैंने ये एक पट्टी ली है जिसकी जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच है। इसको हमें ऐसे डबल फोल्ड करते हुए साइड में सिलाई लगानी है। और एक जैसे हम वो क्या कहते हैं उसे, जैसे हम डोरी बनाने के लिए सिलते हैं, वैसे ही हम इसे मोटा सिलेंगे, और फिर हम इसको फोल्ड कर देंगे। तो देखिए, ये हमने इसे सिल दिया है ऐसे चौड़ा, और अब हम इसको फोल्ड करेंगे। तो एक स्टिक की हेल्प से मैं इसको ऐसे उलट दूंगी, उल्टा कर दूंगी इसको। तो देखिए, ये हमारा ऐसे सीधा हो जाएगा, और जो सिलाई है उसको हम बीच में ले लेंगे ऐसे। और इसको किसी भी चीज़ से आप इसको ऐसे रब कर कर इसको बिठा दीजिए बिल्कुल। ये देखिए, इसकी सिलाई जो है वो हमें बीच में कर देनी है। मैं अपनी मशीन के किनारे पर से ही इसको बिठा दूंगी। ये देखिए, ऐसे हम इसको ऐसे करके इसको बैठा देंगे बिल्कुल। आप चाहें तो अपने नेल से भी कर सकते हैं, बट मेरे नेल्स बहुत छोटे हैं, तो इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ। ये देखिए, हमारी पट्टी तैयार है। अब इसको हमें स्लीव्स पर अटैच करना है, जिसके अंदर हम डोरी पिरोएंगे। ये मैंने डोरी बनाई है। अगर आपको डोरी बनाना सीखना है तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। ये जो हमने पट्टी बनाई थी, इसको हमें ऐसे अटैच करना है, और इसके अंदर हमारी डोरी रहेगी। तो इसको हमें ऐसे सिलना है दोनों साइड से। सबसे पहले हम इसको ऐसे, जो हमारा आगे वाला हिस्सा है, इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। ये देखिए, ऐसे, ताकि रेशे बाहर ना दिखें और ये फिनिशिंग के साथ आए। और यहाँ पर हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। सिलाई हमारी बहुत ही छोटी और फिनिशिंग के साथ लगनी चाहिए, क्योंकि ये फ्रंट पे रहेगा तो ये दिखेगा। ये देखिए, ऐसे हमें सिलाई लगानी है। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ते हुए हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे, इसको ऐसे अंदर की साइड फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम पक्का कर देंगे। ये देखिए, एक साइड हमारा सिल चुका है। अब हम इस डोरी को ऐसे अंदर फंसाएंगे, अंदर डालेंगे इसके, और अब इस किनारे पर भी हम सिलाई लगा देंगे। डोरी को हमें पहले ही अंदर डाल देना है ऐसे।
इसको अंदर करते हुए हम अब इसके किनारे पर सिलाई लगाना शुरू करेंगे। सिलाई छोटी और फिनिशिंग के साथ लगाएं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है और ये हमारी डोरी इसमें फंस चुकी है। ये देखिए ये कुछ ऐसे बंधेगी यहाँ पर, और ये जो खुला वाला एरिया है यहाँ पर हम बटन टाकेंगे। हमें यहाँ पर बटन अटैच करने हैं और ये ऐसे टाई होगा यहाँ पर। और अभी यहाँ पर हम टैसल्स भी लगाएंगे तब इसमें अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 3 बटन लगाए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम लगा सकते हैं या आप ऐसे भी रख सकते हैं। और यहाँ पर ये टाई होगा। अब हम यहाँ पर टैसल्स लगाएंगे, तो टैसल लगाने के लिए मैंने ये 2-2 इंच के ये 2 कपड़े काटे हैं स्क्वायर शेप में, जिसको हमें ऐसे फोल्ड करना है तिकोना, और फिर इसको ऐसे हम गोलाई कर कट कर देंगे। तो ये कुछ ऐसे दिखेगा ट्रायंगल शेप में। अब हमें डोरी को रखना है यहाँ पर और इसको ऐसे उल्टा ट्रायंगल हमें ऐसे रखना है और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। ये देखिए ऐसे इसको रखना है और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। इस पर डबल सिलाई लगा देती हूँ ताकि ये पक्का हो जाए अच्छे से। अब हम इसको कट कर देंगे ये देखिए ऐसे, और अब हम इसको ऐसे पलट देंगे। तो ये देखिए हमारी टैसल्स लग के तैयार है और ये है हमारा फिनिश लुक। अगर आपको स्लीव्स का डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर